पिछले वीडियो में आपको बताए थे रेपी पे के अंदर आपको क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं और हर एक सर्विसेज को आप कैसे यूज कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इसके अंदर आप अपने बैंक अकाउंट को कैसे यूज कर पाएंगे, कैसे उसे ऐड कर पाएंगे और उसके अंदर आप सेटलमेंट ले पाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं रेपी पे एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलते हैं और यहाँ अपने लॉग इन पिन के ऊपर क्लिक करके अपना लॉग इन पिन एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद ऑटोमेटिक ये लॉग इन हो जाते हैं। तो चलिए यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ से मेरा लॉग इन हो चुका है। हो जाने के बाद अभी देख सकते हैं हमारे वॉलेट के अंदर अभी बैलेंस पड़ा हुआ है, 1000 रुपए के अबव बैलेंस पड़ा हुआ है। तो चलिए हम यहाँ से सबसे पहले सेटलमेंट के लिए हम अपने बैंक अकाउंट को ऐड कैसे करेंगे। यहाँ आपको एक ऑप्शन दिख जाता, देख सकते हैं यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखेगा, देख सकते हैं यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलते हैं 3 लाइंस का। तो इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ आपको करना क्या है, बैंक अकाउंट जो है अकाउंट डिटेल्स इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और नीचे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं बैंक सेटलमेंट अकाउंट, इस पे आप क्लिक करते हैं और यहाँ आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ आपको अपना नाम डाल देना है इस तरह करके, यहाँ अपना जो भी नाम है आपका बैंक अकाउंट के अंदर यहाँ अपना नाम डाल देंगे। चलिए हम यहाँ से जैसे कि मैं ABC डाल रहा हूँ, इस तरह करके आप अपना नाम डाल देंगे। यहाँ जो भी आपका नाम है, आपका जो भी बैंक है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ अपना बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे, ठीक है, अपना बैंक अकाउंट नंबर डालने के बाद IFSC कोड डाल करके यहाँ आपको सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ एक और ऑप्शन आ जाते हैं कन्फर्म का, तो यहाँ से आप अपना कन्फर्म कर लेंगे। आपके अकाउंट में जो है कुछ पैसे चार्ज कटेंगे यहाँ बैंक अकाउंट को ऐड करने के लिए, तो आपका पैसा कट जाता है। कटने के बाद अगर आप दोबारा यहाँ से सेटलमेंट लेते हैं तो कैसे ले पाएंगे, तो फिर से आपको यहाँ 3 लाइंस के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से चलिए हम यहाँ से फिर से 3 लाइंस के ऊपर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ फिर से आपको एक ऑप्शन मिल जाते हैं बैंक सेटलमेंट। तो यहाँ आपको बैंक सेटलमेंट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ आपका बैंक अकाउंट आ जाता है। आने के बाद यहाँ आपको करना क्या है, आपका बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। दोनों ऑप्शन में आपको एक MPS मिल जाते हैं और एक आपको NFT मिल जाते हैं। तो NFT अगर NEFT करते हैं तो आपका यहाँ से कोई चार्ज नहीं लगता। 1000 अगर आप यहाँ से विड्रॉल करते हैं, ट्रांसफर पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ इसमें आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता है, ठीक है। अगर वही आप अगर इस पे क्लिक करते हैं MPS के ऊपर, तो यहाँ आप 1000 रुपये अगर विड्रॉल करते हैं यानी कि सेटलमेंट करते हैं, तो यहाँ इसमें जैसे ट्रांसफर पे क्लिक करते हैं तो इसमें कुछ आपका चार्ज कट जाता है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, जैसे हम इस पे क्लिक किए, ट्रांसफर पे क्लिक किए और यहाँ इसमें कुछ चार्ज कट जाता है, यानी कि 4 रुपये कुछ पैसे कटते हैं GST लगा करके, आपको कुछ और एक्स्ट्रा कट सकता है। तो इस तरह करके आप गाइस यहाँ से सेटलमेंट ले सकते हैं। NFT अगर आप करना चाहते हैं तो NFT करते हैं, उसमें कुछ चार्ज आपका नहीं लगेगा। अगर आपको फर्स्ट आप देख सकते हैं MPS करते हैं तो MPS में आपको ज़्यादा कुछ कुछ बैलेंस आपको यहाँ से कटने वाला है और सेटलमेंट आपका हो जाएगा, डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस धन्यवाद, जय हिंद।